सदनों से पारित होने के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। सरकार ने की इस संबंध में अधिसूचना जारी। विधेयक ने लिया कानून का रूप। नागरिकता संशोधन विधेयक को दोनों सदनों के बाद राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिलने पर प्रदेश में रह रहे शरणार्थियों ने मनाया जश्न। कहा केंद्र सरकार के इस कदम के बाद होगा उनकी परेशानियों का अंत। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं संविधान पीठ ने की खारिज। सभी दस्तावेजों को देखने के बाद कोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई की जरूरत से किया इनकार। प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में प्रतिभा पर्व किया जा रहा है आयोजित। 11,035 शालाओं के करीब 67,43,000 बच्चे ले रहे हैं प्रतिभा पर्व में हिस्सा। राजस्थान के ऊपर बने चक्रवात के कारण बदला प्रदेश के मौसम का मिजाज। राजधानी समेत राज्य के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि। शुक्रवार सुबह देखा गया घना कोहरा। राष्ट्रपति भवन में देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशकों का सम्मेलन 15 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा सामान्य संवाद। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल किया गया जारी। हाई सेकेंडरी की परीक्षा 2 और हाई स्कूल की परीक्षा 3 मार्च से होगी शुरू। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा परीक्षाओं का समय। भोपाल की बड़ी झील स्थित जल क्रीड़ा केंद्र पर 19वें अखिल भारतीय वाटर स्पोर्ट्स खेलों का मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया शुभारंभ। 16 दिसंबर तक चलने वाली स्पर्धा में केंद्रीय बलों, अर्धसैनिक संगठनों और विभिन्न राज्यों के पुलिस विभाग के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। खंडवा के कृषि महाविद्यालय में राज्य स्तरीय महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए करीब 225 खिलाड़ी कर रहे स्पर्धा में शिरकत। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का मिलेगा मौका। सागर स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में गणित विषय पर 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन। अमेरिका, बहरीन, सऊदी अरब, सेनेगल सहित देश विदेश के कई शोधार्थी और विशेषज्ञ कर रहे हैं अपने शोध पत्र प्रस्तुत। करदाताओं के न्यायालयों में लंबित अभियोजन प्रकरणों को कम करने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 31 दिसंबर तक प्रश्न आवेदन आमंत्रित। मुख्य आयकर आयुक्त अजय कुमार चौहान ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। धार में प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने ली जिला योजना समिति की बैठक। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए प्रभारी मंत्री ने निर्देश। प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा और प्रमुख सचिव संस्कृति ने विजय दिवस के आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों का लिया जायजा। राजधानी स्थित शौर्य स्मारक का निरीक्षण कर तैयारियों के संबंध में दिए जरूरी निर्देश। अनूपपुर जिले के 3 विद्यार्थियों का इंस्पायर अवार्ड हेतु किया गया चयन। अपने आइडिया को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए तीनों छात्रों को मिली 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि। और प्रदेश में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर राज्य में की जा रही विशेष तैयारियां। लोक अदालत में आपसी समन्वय से सुलझाए जा सकेंगे विभिन्न प्रकरण।